इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़ी राहत दी है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने का क्रिमिनल केस 2014 में दर्ज कराया गया था। 2014 में स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में थे। उस समय कपूरी ठाकुर भागीदारी सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि शादियों में गौरी गणेश की पूजा नहीं करनी चाहिए या दलितों और पिछड़ों को गुमराह करके उनको गुलाम बनाने की साजिश है। इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसको अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच की तरफ से रद्द कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जेल में बंद कानपुर के सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ दर्ज आगजनी केस के मामले में अगले महीने कोर्ट का फैसला आने की उम्मीद है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही केस की सुनवाई करीब पूरी हो चुकी है, सिर्फ चार गवाहों का बयान होना बाकी है। पुलिस अफसरों का दावा है कि 20 से 25 दिन में गवाही पूरी होने के बाद मामला फैसले पर आ जाएगा। इस मामले में इरफान सोलंकी को 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक शख्स ने पीएसी के रिटायर्ड दरोगा की फावड़े से ताबड़तोड़ वार करके हत्या कर प्रयास किया। गंभीर रूप से घायल दरोगा को दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया है। बताया गया है कि वारदात के बाद आरोपी फावड़ा लेकर सीधे थाने पहुंचा। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना दुकान में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद में फेरे के समय दुल्हा में कमी निकाल कर शादी से इनकार करने वाली दुल्हन ने प्रेमी के साथ दूसरे दिन ही फेरे ले लिए, जबकि दूल्हे के पिता ने अपनी इज्जत बचाने के लिए चट मंगी पट विवाह बेटे का किया। दूसरी लड़की तलाश कर बेटे का विवाह कर दिया। इसके बाद वह भी दुल्हन लेकर घर गया। दुल्हा के पिता ने बताया कि लड़की ने अपने प्रेमी के खातिर शादी से इनकार किया था। यूपी में मौसम मई महीने में बार बार करवट बदल रहा है। आज यानी शुक्रवार को भी वेस्ट यूपी में धूल भरी आंधी के साथ बारिश हो सकती है। गुरुवार को प्रदेश के 9 जिलों में बारिश हुई है। इसमें मेरठ में 12.5 और बागपत में 12 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। लखनऊ और कानपुर में आंधी चली। मौसम विभाग ने मध्य यूपी और ईस्ट यूपी में अगले 3 दिन तक की हीट वेव चलने का अनुमान जताया है। प्रदेश के हमीरपुर जिले के मौदोहा कोतवाली क्षेत्र में धर्म छिपाकर युवती से दोस्ती कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने गुरुवार को 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने छल पूर्वक शारीरिक संबंध बनाने, जबरन वसूली, मारपीट व धमकी देने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है। दूसरे समुदाय के युवक इरफान सौदागर ने रोहित के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर युवती से दोस्ती कर ली। 20 मई 2019 को युवक उसे अपने घर ले गया, जिसके बाद कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के शिव नाडर यूनिवर्सिटी में गुरुवार दोपहर अनुज नाम के एक छात्र ने क्लासमेट स्नेहा की गोली मारकर हत्या कर दी, फिर सुसाइड कर लिया। टॉप यूनिवर्सिटी के कैंपस में हुई इस घटना से सनसनी मच गई। दोनों बीए सोशियोलॉजी थर्ड ईयर के छात्र थे। नेहा कानपुर जबकि अनुज अमरोहा के रहने वाला था। दोनों कॉलेज कैंपस में ही हॉस्टल में रहते थे। वारदात को अनुज ने दिन दिहाड़े डाइनिंग हॉल में अंजाम दिया। इस घटना के बाद पुलिस ने अनुज को जीमेल अकाउंट से एक 23 मिनट का वीडियो मिला। इसमें अनुज ने स्नेहा के कत्ल की वजह के बारे में डिटेल में बताया। यह वीडियो कब का है या तो क्लियर नहीं है। हालांकि इससे यह साफ है कि स्नेहा की हत्या की प्लानिंग पहले से ही कर चुका था, क्योंकि वीडियो में वह कहता दिख रहा है कि उसके किए का भुगतान करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के 31 साल पुराने चर्चित अवधेश राय हत्याकांड का केस अब फैसले की ओर है। माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ विचाराधीन मुकदमे में गवाही और साक्ष्य पूरे हो गए हैं। केस में जिरह और बहस के बाद विशेष जज फैसले की तारीख तय करेंगे। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान वादी पूर्व विधायक अजय राय की ओर से वकील अनुज यादव और विकास सिंह के साथ ही बचाव पक्ष भी अपनी बहस अदालत में दाखिल करेगा। कवि कुमार विश्वास ने गुरुवार शाम बाबा विश्वनाथ के दरबार में दर्शन पूजन के बाद कॉरिडोर का भ्रमण किया। कहा कि बाबा विश्वनाथ की नगरी प्राचीनता को समेटे हुए नए कलेवर में सवर रही है। बाबा विश्वनाथ के धाम की भव्यता तो अद्भुत है। मंदिर के स्वर्ण शिखर को प्रणाम किया और धाम की भव्यता भी निहारी। धाम में भ्रमण के बाद संकट मोचन मंदिर के महंत विश्वभर नाथ मिश्र के आवास पर पहुंचे और समसामयिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। काशी विश्वनाथ धाम में कवि कुमार विश्वास ने दर्शन पूजन किया, गर्भगृह में रुद्राभिषेक भी किया।
उत्तर प्रदेश के बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत। युवक के पिता ने युवक की पत्नी पर लगाया आरोप। जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या करने का मामला सामने आया है। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जरीफ नगर थाना क्षेत्र के हसनपुर टपटा वैश्य गांव का मामला।